अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल सच की आवाज़। खुशामदीद नाज़रीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में कांग्रेस पार्टी की सरबरा सोनिया गांधी की सालगिरह की तकरीबात का इनेकाद किया गया। कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार कस्तूरी नरेंद्र ने पार्टी कारकुनों की मौजूदगी में अरेंघर स्क्वायर पर केक काटकर जश्न मनाया। इसी तरह ऊपरपल्ली में खून के अतिये कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कस्तूरी नरेंद्र ने कहा कि रियासत में इंद्रम्मा राजियम आ चुका है। इंद्रम्मा राजियम का मतलब खवातीन की बादशाहत है। इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज से सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर रियासत भर की खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र शुरू करा है। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की तरफ से दी गई तमाम यकीन दहानियों को जल्द ही आवाम को दिया जाएगा और इस मकसद के लिए वजीर आला विजरा के साथ मिलकर जायजा भी ले रहे हैं। आइए सुनते इस खसूस में मजीद तफसील। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह की मजीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमगा रान्नार कांसेंसीला उपरपल्ली मन रान्नार डिवीजन प्रेसिडेंट मन प्रभाकर रेड्डी गारु रक्तदान शिबिरम सोनिया गांधी पुट्टिन रोज संदर्भंगा చేసిరు। అట్లాగే మన రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ గవ మల్ల ఇంద్రమ రాజ్యం వచ్చింది, ప్రజలంతా సంతోషంగా ఉన్నారు। దాన్ని రెండోది ఎట్లాగో హామీలు ఏదైతే ఇచ్చిరో ఆర్ గ్యారెంటీల హామీలల్ల రెండు ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి। ఒకటి ఆరోగ్యశ్రీ, ఒకటి రెండోది వచ్చి ఆర్టీసీ బస్సులు మహిళలకు ఉచితంగా చేయబడింది। అదే గతంలో ఏదైతే టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉండనో ఆ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఏం చేయలేదు కనుక ఏదైతే మేము ప్రభుత్వంలోకి వచ్చినాక రెండో రోజు మూడో రోజుకి రెండు అమలు చేసినాం, మిగతా నాలుగు గ్యారంటీలు కూడా అతి తొందరలో అమలు చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేయడమే।